भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री पी जोशी ने शनिवार को अपनी नई टीम घोषित कर दी पुनिया को हटाने के बाद लग रहे थे उपेक्षा के आरोप भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री पी जोशी ने शनिवार को अपनी नई टीम घोषित कर दी है टीम को देखकर लगता है कि इसमें सोशल इंजीनियरिंग का खासा ध्यान रखा गया है विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक ओबीसी को भी इस टीम के जरिए साधने की कोशिश की गई है करीब तीन माह पहले जब सतीश पुनिया को हटाकर सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाया गया था तभी से बीजेपी के ओबीसी वर्ग की उपेक्षा करने की चर्चाएं होने लगी थी वहीं कांग्रेस खुलकर बीजेपी ने ओबीसी के चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया है वही बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर ओबीसी को महत्व नहीं दिया गया जबकि कांग्रेस में पीसीसी अध्यक्ष व सीएम दोनों ओबीसी वर्ग से आते हैं अब सीपी जोशी इस नई टीम में उन्तीस में से दस ओबीसी वर्ग से शामिल करके बीजेपी ने ओबीसी समुदाय को साधने की भी कोशिश की है इसमें से भी जाट समुदाय से आने वाले नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है सीपी जोशी ने अपनी नई टीम के जरिए विधानसभा चुनावों को देखते हुए सोशल इंजीनियरिंग का खासा ख्याल रखा है इसमें ओबीसी वर्ग के साथ साथ, साथ, साथ व जनरल कैटेगरी को भी विशेष महत्व दिया गया है टीम में जाट राजपूत ब्राह्मण माली मेघवाल देवासी सहित अन्य सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है वही टीम में छोटे कार्यकर्ताओं को जगह देकर उनका मनोबल बढ़ाने की भी कोशिश की गई है पूर्वी राजस्थान में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ रहा था इसकी बड़ी वजह सचिन पायलट के प्रभाव को माना जाता है गुर्जर समुदाय शुरू से ही बीजेपी का कोर वोटर माना जाता रहा है लेकिन पायलट के प्रभाव के चलते पिछली बार बीजेपी ने बीजेपी से भी गुर्जर नेता चुनाव जीतकर विधानसभा नहीं पहुंचा